बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां एक बार फिर अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी हो गया। वहीं आपको बता दें कि चोरी की यह सनसनीखेज वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजधानी में अभी तक आपने घरों में चोरी और वाहनों की चोरी के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन राजधानी के गाजीपुर थाना क्षेत्र में अस्पताल से एक महिला द्वारा एक नवजात बच्चा चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि चोरनी की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस महिला को ढूंढने में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से बस्ती जिले के रहने वाली लक्ष्मी चौहान गाजीपुर थाना क्षेत्र के सी ब्लॉक में रहती है। पीड़ित महिला के पति के अनुसार वह अपनी गर्भवती पत्नी लक्ष्मी के प्रसव के लिए गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित बाल महिला चिकित्सालय पहुंचा। एक महिला चोर दंपत्ति का नवजात शिशु चुराकर भाग गई। हालांकि चोरी कर भाग रही महिला तीसरी आंख में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल कर रही है। वो हमसे नहीं दोस्ती की थी, हमारी मम्मी थी, वहीं बैठकर उन्हीं से बात कर रही थी। उसके बाद वहीं बैठी थी, हम इस बच्चे को छोड़कर बाथरूम करने चले गए, वहां से आए तो नहीं बच्चा मिला। हमसे ये सब नहीं बात हुई थी, हम उससे बात ही नहीं करते थे, वही मम्मी बात कर रही थी। कुछ कभी कुछ बताया कहाँ के रहने वाले? नहीं, वो सिर्फ इतना ही हम बताते, हम सुने थे कि वो कह रही थी कि बगल में हमारी बहन है, वो उसी को देखने आए हैं। हम कितने बजे करीब वो यहाँ से घटना हुई? लगभग 4 बज रहा था। दोपहर तकरीबन 2 बजे एक अज्ञात महिला वार्ड में पहुंची व बच्चे को दुलार से पुचकारते हुए बच्चे की बुआ कोमल से दोस्ती कर ली। थोड़ी ही देर में महिला ने सभी परिजनों का दिल जीत लिया। दोपहर लक्ष्मी अपने परिजनों के साथ वार्ड में बने शौचालय का उपयोग करने चली गई। मौका मिलते ही अज्ञात महिला बच्चे को चुराकर फरार हो गई। अस्पताल में लगी सीसीटीवी फुटेज में महिला चोर की तस्वीर कैद हुई है। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। ये महिला है, ये अमित चौहान है, उनकी पत्नी है। यहाँ कल भर्ती थी बाल महिला चिकित्सालय में, सेक्टर सी इंदिरा नगर में। एक महिला हैं जो कल इनकी बुआ थी, इनके सपोर्ट में महिला के, उनसे दोस्ती बनाई ये बता के कि बगल के कमरे में मेरी बहन भर्ती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और आज शाम को अकेली थी महिला जो जिनका बच्चा है, वो वॉशरूम गई, उसी दौरान वो महिला उस बच्चे को चुरा के लेके चली गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले हैं, टीम बना के उस पर हम लोग बच्चे की तलाश और जो महिला लेके भागी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। उसका चेहरा अभी महिला का साफ है नहीं, लेकिन हुलिया के आधार पर टीमें हमारी इसमें प्रयास कर रही, जल्दी हम इस बच्चे को खोजेंगे और इनकी गिरफ्तारी करेंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस बच्चे को कब तक ढूंढ पाती है। लखनऊ से अतीक अहमद की रिपोर्ट।